अगली खबर की ओर बढ़ते हैं इस वक्त की। अगली खबर भोपाल से आरटीओ कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। प्रदेश भर के परिवहन कर्मचारियों ने दफ्तर पर ताले लगाए हैं। रिटायर्ड अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला है। और ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत जी का रुख करते हैं। दुष्यंत जी, आरटीओ कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। प्रदेश भर के परिवहन कर्मचारियों ने दफ्तर पर ताले लगा दिए हैं। बिल्कुल, देखिए उनकी मांगे हैं कि जो सेवानिवृत्त अधिकारी और टीकमगढ़ के जो आरटीओ अधिकारी हैं, उनको उनके खिलाफ जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली थी, तो वो पुलिसिया कार्रवाई पर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और प्रदेश भर में जो परिवहन कार्यालय हैं उन परिवहन कार्यालयों पर तालाबंदी कर दी है। साथ ही साथ एक बैनर भी वहां पर लगाया गया है कि अनिश्चितकाल के लिए ये जो तालाबंदी है वो की गई है, जब तक जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उन पर इस कार्रवाई के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगी। हालांकि जिस तरीके से जो शेड्यूलिंग की गई थी, पहले से जिन लोगों को समय दिया गया था परिवहन में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या फिर अपने जो वाहन है उन वाहनों के नाम ट्रांसफर कराने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं काफी खासी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, जिससे ये देखने में आता है कि लोग जो है वो लगातार ऐसे कार्यालयों पर पहुंच रहे हैं और लेकिन वहां पर ना तो एजेंट उनको मिल रहे हैं, ना तो अधिकारी उनको मिल रहे हैं और उनके जो काम है वो कहीं ना कहीं डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। तो परेशानियां लगातार लोगों की बढ़ रही हैं, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम परिवहन की बात करें या फिर तमाम सारे ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, सरकार से, इस विभाग से नाराज हैं और अधिकारियों से नाराज हैं, तो वो हड़ताल पर उतरे हुए हैं। जी, शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, आज आरटीओ कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। प्रदेश भर के परिवहन कर्मचारियों ने दफ्तर पर ताले लगा दिए हैं। रिटायर्ड अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।